आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी करेंगे मैसूर में योग दिवस समारोह की अगुवाई, सीएम मुंबई ने तैयारियों का लिया जायजा। राष्ट्रपति चुनाव का इसी हफ्ते हो सकता है ऐलान, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को हो रहा खत्म। कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को बूस्ट डोज कोर्बोवैक्स देने पर चर्चा करेगा एनटीएजीआई। पीएम मोदी मंगलवार देर रात तेलंगाना के जीएचएमसी के पार्षदों की मुलाकात, कहा राज्य में कुशासन खत्म करने के लिए काम करेगी भाजपा। पैगंबर के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर आतंकी संगठन अलकायदा ने दी भारत को आत्मघाती हमले की धमकी। केरल के मल्लपुरम में फुटबॉल मैच के दौरान गैलरी गिरी, कई लोग हुए घायल। सरकारी स्कूलों में किंडरगार्टन बंद कराने को लेकर एआईएडीएमके का राज्य सरकार पर हमला। केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी का बयान, कहा इस्लाम के नाम पर इंसानियत को लहूलुहान करता है अलकायदा। पीएम मोदी ने अवनी लखेड़ा और श्रीहर्ष देव रेड्डी को स्वर्ण पदक जीतने पर दी बधाई, कहा हमें आप पर गर्व है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर अंकुश लगाने और हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार सख्त कदम उठाए। भाजपा ने गिनाए ओबीसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम, बिहार में जाति गणना के बीच दिया बड़ा संदेश। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में 6 और गिरफ्तारी, अरुण गवली गैंग से भी जुड़े हैं तार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हिमाचल की सीमाएं सील, कांगड़ा में 1300 जवान तैनात, लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, आम लोगों को जनहित की परियोजनाओं से वंचित करना अपराध। पीएफआई रैली में भड़काऊ नारेबाजी का मामला, एनसीपीसीआर ने आला पूजा के एसपी को किया तलब, 13 जून को होगी पेशी। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 आईएएस अफसरों के तबादले, लखनऊ व कानपुर समेत 9 जिलों के डीएम बदले गए। यूपी 33 करोड़ से अधिक कोविड टीके का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सख्त निर्देश, बोले बुंदेलखंड के हर गांव हर घर में नल कनेक्शन देने की चलाए महाअभियान। अखिलेश का योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला, बोले यूपी में पूरी तरह चरमरा गई प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था केवल कहने सुनने की बात।
में घरेलू कोयला कटौती के चलते अगस्त में बिजली संकट गहराने की आशंका। उपभोक्ता परिषद ने खटखटाया नियामक आयोग का दरवाजा। सदगुरु जग्गी वासुदेव के मिट्टी बचाओ अभियान को यूपी के 25 करोड़ लोगों का समर्थन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राशिद हत्याकांड में हुआ खुलासा, 3 शातिरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैनपुरी में सामुदायिक शौचालय में महिला के साथ दुष्कर्म। क्षेत्रीय लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ा। पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। शाहजहांपुर में सिटीजन पब्लिक ग्रुप ने डीएम को दिया ज्ञापन। एक फिल्म के रिलीज मामले में दिया ज्ञापन। जिले के कई कलाकारों ने फिल्म में किया था काम। संबल में अवैध रूप से संचालित हो रहा था अल्ट्रासाउंड सेंटर। सेंटर के खिलाफ लिया गया एक्शन। प्रशासन ने अल्ट्रासाउंड सेंटर को किया सील। उन्नाव के दलित हत्याकांड में आईजी का एक्शन। 3 घंटे तक आरोपियों से हुई पूछताछ। मामले में लगातार पुलिस कर रही जांच। अलीगढ़ में निशुल्क नेत्र परीक्षण चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। 10 मरीजों के ऑपरेशन के लिए हुआ पंजीकरण। अलीगढ़ में पति के लिए खाना नहीं बनाना, पत्नी को पड़ा भारी। नाराज पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद पति ने किया थाने में सरेंडर। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट। औरैया में भी चलाया गया चेकिंग अभियान। बिजनौर में गर्मी में गौ आश्रय स्थल की व्यवस्था हुई बेहतर। गौवंशों के लिए पंखे और ठंडे पानी की गई व्यवस्था। बिजनौर में आईजी रेलवे ने किया जीआरपी थाने का निरीक्षण। स्टाफ को जागरूक रहने के दिए निर्देश। बुलंदशहर में माफियाओं के खिलाफ एक्शन। 35 लोगों को किया गया चिन्हित। माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश जारी। गाजियाबाद में शहर में पार्किंग की भीषण समस्या। अवैध पार्किंग माफिया संचालकों का भी बोलबाला। बैठक में नई पार्किंग नीति पर हुई जमकर बहस। हरदोई में किशोरी अपहरण मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली। पीड़ित मां ने महिला आयोग से की शिकायत। कानपुर में महाराजपुर पुलिस और एसटीएफ को मिली सफलता। 1 करोड़ की चरस के साथ 3 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में अरमान हत्याकांड को बीते 2.5 महीने। नामजद आरोपियों की नहीं हुई अभी तक कोई भी गिरफ्तारी। बिजनौर में तेज रफ्तार डीसीएम ने 2 लोगों को रौंदा। पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए दोनों के शव। बुलंदशहर में लूट के विरोध में बाजार बंद करेंगे व्यापारी। पुलिस की कार्यशैली से नाखुश दिखे व्यापारी। बुलंदशहर में मामूली विवाद में हिंसक झड़प। सरेआम घर में घुसकर किया हमला।
औरैया में चाय पीने से बिगड़े तबियत परिजनों ने दोनों को कराया भर्ती। लखीमपुर खीरी में रफ्तार ने बरपाया कहर, भंडारे से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलटी। रायबरेली में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई वारदात। बिजनौर में यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा पहुंची बिजनौर। अपने जनपद में पहुंचकर डीएमसी की मुलाकात, डीएम ने श्रुति शर्मा को बुके देकर किया सम्मानित। कौशाम्बी में नाबालिग युवती ने लगाई फांसी, आरोपी 2 साल से कर रहा था शोषण। लखीमपुर खीरी में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, वन विभाग की जमीन को कराया गया खाली। बुलंदशहर में तंत्र मंत्र का खेल, प्रेतात्मा निकालने के नाम पर गर्भवती महिला से दुर्व्यवहार, तांत्रिक ने इलाज के नाम पर पीड़िता के बाल पकड़कर जमकर पीटा। बुलंदशहर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल, गंभीर युवक को अस्पताल में कराया भर्ती, मृतकों के परिजनों में मचा कोहराम। चंदौली में डंफर और गाड़ी की आमने सामने टक्कर, गाड़ी सवार बीजेपी विधायक कैलाश खरवार सहित 3 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिरोजाबाद में फ्लाईओवर पर बस में अचानक लगी भीषण आग, रोडवेज बस में 70 से 80 यात्री थे सवार, सवारियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। चारधाम यात्रा में अव्यवस्था और केदारनाथ में घोड़े खच्चरों की मौतों पर हाईकोर्ट नैनीताल सख्त। उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर हरीश रावत का बयान, कहा मार्जिन बढ़ाने के लिए की गई लोकतंत्र की हत्या। देवभूमि में 1 एकड़ से कम भूमि में भी बनेंगे अमृत सरोवर, अब तक चयनित किए गए 1017 अमृत सरोवर। बिजली दरों में वृद्धि नहीं हुई तो भारी कटौती को रहे तैयार, ऊर्जा निगम ने महंगी बिजली खरीद में जताई असमर्थता। जड़ी बूटी सप्लाई करने के नाम पर पतंजलि से धोखाधड़ी, पंजाब निवासी आरोपित पर कनखल थाने में मुकदमा दर्ज। केदारनाथ घाटी में सीमित संख्या में उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर, एक निश्चित तय समय 6 किलोमीटर ही रहेंगे हवा में। उत्तराखंड में भी विवादों में रहे गुप्ता बंधु, ओली में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से हुई थी शाही शादी। नई शिक्षा नीति और मातृभाषा में शिक्षा पर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक, भारत भी अब मातृभाषा में शिक्षा के जरिए और तेजी से तरक्की करेगा। धन सिंह रावत ने कहा महाविद्यालयों में 40 विद्यार्थियों को पढ़ाए गए अब एक शिक्षक। उत्तराखंड में 1600 कमजोर बूथों को अभेद बनाने की रणनीति पर काम करेगी भाजपा। पाकिस्तान की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, पाकिस्तानी महिलाओं का विरासत और संपत्ति में अधिकार अभी बस एक सपना।
रूस ने अमेरिका को दिया करारा जवाब। ऊर्जा और ट्रेजरी सचिव सहित 61 नागरिकों पर लगाया गया प्रतिबंध। मुझे सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान, इमरान खान ने दिया बड़ा बयान। पूर्वी यूक्रेन में भीषण गोलीबारी के बीच रूस ने उतारे और सैनिक जेलेंस्की ने कहा हम नहीं करने वाले आत्मसमर्पण। पाकिस्तान में पोलियो का बढ़ा प्रकोप, 8 नए मामले आए सामने। ईरान में बड़ा हादसा, एक्सकेवेटर से टकराई ट्रेन, 13 मरे व 50 से अधिक लोग जख्मी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने की भारत के आईटी सेक्टर से तुलना, बताई अपने देश की हालत। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को दी चेतावनी, कहा परमाणु परीक्षण किया तो देंगे करारा जवाब। रूस ने अमेरिका को दिया करारा जवाब। ऊर्जा और ट्रेजरी सचिव सहित 61 नागरिकों पर लगाया गया प्रतिबंध। जाकिर मजीद के जबरन गायब होने की 12वीं बरसी पर बलूच क्वेटा में प्रदर्शन करेंगे। एप्पल को यूरोपीय यूनियन का झटका, बदलना पड़ेगा आईफोन का चार्जिंग पोर्ट। एलआईसी के शेयर में लगातार गिरावट, ऑल टाइम लो पर पहुंचा एलआईसी का स्टॉक, इशू प्राइस से करीब 20% नीचे हुआ बंद। आरबीआई ने रेपो रेट में किया 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा, होम कार और पर्सनल लोन होगा महंगा। महंगाई बढ़ने के आसार, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 और 23 में 6.7% किया मुद्रास्फीति का अनुमान। मोटो G82 5G फोन लॉन्च, इसमें ट्रिपल कैमरा पैक के साथ 5000 mAh की मिलेगी दमदार बैटरी। मामूली बढ़त के साथ खुले बाजार नीचे फिसले, रिजर्व बैंक के फैसले पर निवेशकों की नजर। वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाया, कहा ग्लोबल इकोनॉमी फिर से खतरे में। केरल की सॉफ्टवेयर कंपनी का BMW से करार, जर्मन कंपनी के लिए बनाएंगी इन्फोटेनमेंट सिस्टम। रूसी तेल के सामान्य से अधिक आयात से खुदरा तेल कंपनियों को होगा फायदा, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। प्याज की गिरती कीमतों से परेशान किसानों को नेफेड ने दी बड़ी राहत, 4 लाख टन किया खरीद का लक्ष्य। पहले T20 मैच में दिखा ऑस्ट्रेलिया के बल्ले और गेंद का दम, श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से ली बढ़त। इंस्टाग्राम पर छाए किंग कोहली, 200 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बने।
धोनी ने खेला बड़ा दाव, ड्रोन बनाने वाली कंपनी में लगाया धोनी ने अपना पैसा। सुनील गावस्कर को याद आए पुराने दिन, इस खास उपलब्धि को बताया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा। श्रीलंका के खिलाड़ियों का गुस्सा, आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन में लोगों की गई थी जान, संगकारा बोले ये सरकार समर्थित गुंडों का हमला। भारत के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया केएल राहुल और डिकॉक होंगे टॉप स्कोरर। ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, पहले टी20 की जीत का हीरो दूसरे मैच से हुआ बाहर। जोश हेजलवुड के बाद डेविड वार्नर और फिंच का कमाल, ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीता पहला टी20। वर्ल्ड ब्रेविस भी हुए रोहित शर्मा के फैन, बताए मुंबई इंडियंस के कप्तान की सबसे बड़ी खूबी। मिताली राज सातवें और स्मृति मंथाना महिला वनडे रैंकिंग में 9वें नंबर पर बरकरार। जून को 7 फेरे लेंगे नयनतारा और विघ्नेश शिवन, वायरल हुआ निमंत्रण का वीडियो। शाहरुख खान पर शत्रुघ्न सिन्हा ने लगाए गंभीर आरोप, कहा मैंने उनकी मदद की लेकिन उन्होंने मुझे धन्यवाद तक नहीं दिया। बॉलीवुड में कोरोना का कहर, सोनाली सहगल हुई कोविड पॉजिटिव, पोस्ट शेयर कर बोली आइसोलेशन में हूं और रिकवर कर रही हूं। रामचरण ने सेलिब्रेट किया अपने ड्राइवर का जन्मदिन, सेलिब्रेशन में एक्टर की पत्नी उपासना भी हुई शामिल। रणवीर सारा ने करण जौहर के साथ नच पंजाबन सॉन्ग पर लगाए जबरदस्त ठुमके, वरुण धवन ने भी की तारीफ। ट्रिपल आर देखने के बाद राजामौली के स्किल के मुरीद हुए हॉलीवुड लेखक, जमकर की तारीफ। प्रियंका चोपड़ा का रफल डीप, नए गाउन में दिखा बोल्ड अंदाज, कपड़ों के साथ साथ डायमंड नेकलेस पर भी टिकी सबकी निगाहें। नुपुर शर्मा के बचाव में उतनी कंगना रनौत, बोली कि अफगानिस्तान नहीं अपने मन की बात कहने की है पूरी आजादी। सलमान बोले मुझे धमकी नहीं मिली, बांद्रा पुलिस को बताया मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, किसी लॉरेंस या गोल्डी को नहीं जानता। केट के सामने प्रिंस लुइस की शरारत पर करीना कपूर ने किया रिएक्ट, बोली इस फीलिंग को जानती हूं मैं। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।